अपने किच एक कैफेटेरिया डिजाइन कर रहे थे। इसमें हमने अपना पहले फ्लोर प्लान तैयार कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इनके एलिवेशन डिजाइन तैयार करके देने हैं। तो एलिवेशन डिजाइन के लिए मैंने कॉपी करके इसको उठा के इधर रखा। सबसे पहले मैं एलिवेशन इस वॉल का क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। तो एलिवेशन क्रिएट करने के लिए मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले रोटेट कर लिया। आप चाहो तो इसको रोटेशन ना करके आप इसको पूरी स्क्रीन को यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब आप इसका आराम से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं अपने फिगर को ही यहाँ से रोटेट ठीक है। अब हमें इसके एलिवेशन किधर से देना चाह रहे हैं, यहाँ से उधर की तरफ देना है। तो सबसे पहले आप इसको मार्किंग दे दिएगा कि किस साइड से आप एलिवेशन डिजाइन देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो मार्किंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, टीपी एंटर किया मैंने टूल पैलेट, आर्किटेक्चरल पे एनोटेशन पे गया मैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आ रहा है आपका कॉल आउट, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। साइज छोटा आ रहा है तो स्केल करके इस साइज को हमने 10 टाइम बढ़ा दिया, 10 टाइम ज़्यादा बढ़ गया। स्केल करके साइज को रिड्यूस कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, व्यू नंबर पे कैफे कर दिया और शीट नंबर पे मैंने दे दिया ए, ए वॉल के बॉटम पे शीट। एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस दिया, इनर से रेफरेंस देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया हमने, एस्केप किया, बॉटम पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके इस वॉल का भी रेफरेंस। पूरा आगे तक ले लिया। फ्लोर से सीलिंग की हाइट कितनी बताई थी मैंने, 15 फीट ले लिया हमने। अब ये वाला पोर्शन जो है हमारा कहाँ है, बाहर ओपन स्पेस का, ओपन स्पेस का फ्लोर एरिया और अंदर का फर्श का फ्लोर एरिया सेम लेवल पे रखते हैं हम, या उसको हल्का सा अप डाउन लेके चलते हैं। अप डाउन लेके चलते हैं। किस चीज को आप रखेंगे, अंदर वाले को आप रखते हैं, फ्लोर लेवल को करेंगे। फ्लोर लेवल तो दोनों ही तरफ है, अंदर भी है बाहर भी है। ऊपर होगा और बाहर वाला नीचे, क्यों आपने रोशनी के अंदर सफाई बाय करते हैं, अरे उसमें कोई कंडीशन आ सकती है, उल्टा नहीं होगा। रोड किधर होगी हमारी, इधर होगी। तो पहले तो रोड से ऊपर हमारा ये वाला पोर्शन होगा, ओपन एरिया, सिटिंग एरिया, और उससे ऊपर हम अपना फ्लोर एरिया रखते हैं जो आप लोग बता रहे थे। ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि कल को मान लो अगर बारिश होती है, पानी आपका ड्रेन क्लॉट हो जाता है तो पानी खड़ा हो जाएगा। वो पानी अगर आपका फ्लोर एरिया नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, पानी किधर से, वाटर किधर से फ्लो करता है हमारा, हाई अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड की तरफ। तो पानी को यहाँ से निकालना फिर आपके लिए आफत रहे, है ना। इसलिए हमेशा अंदर के एलिमेंट जो होते हैं, चाहे रूम हो, बिल्डिंग हो हमारी, उनको हम क्या करते हैं, रोड लेवल से अप रखते हैं। कितना अप रखते हैं, जनरली 18 इंचेस ऊपर रखा जाता है। तो मैंने इसको 18 इंचेस पहले ड्रॉप कर दिया। 18 इंचेस नीचे क्या होगी हमारी, रोड लेवल होगा। मैंने यहाँ से 36 इंचेस का एक लाइन बना दी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोड लेवल, रोड लेवल, ठीक है। 6 इंचेस नीचे आपका आउटर एलिमेंट जो होगा वो हमारा कितना नीचे रख रहे हैं हम, 6 इंचेस नीचे रख रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद मैंने क्या किया, एक रेफरेंस एलिमेंट और ले लिया 2.5 फिट का और इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। अच्छा अब यहाँ से ये हाइट कितनी है इसकी, रोड से डायरेक्ट 1 फिट पे चढ़ने के लिए हमें बीच में क्या देना पड़ेगा, स्टेप्स देना पड़ेगा जिसके लिए राइजर लगाना पड़ेगा। हाँ राइजर 6 इंच का राइजर दे देते हैं, ठीक है 6 इंच का राइजर। अब फुटपाथ तो हमारा यही एरिया है ना, तो राइजर का स्टेप हमें अंदर की तरफ ही लेना पड़ेगा, बाहर की तरफ हम नहीं ले पाएंगे। या तो स्लोप होगा स्लांट या स्टेप दिया हुआ होगा चढ़ने के लिए। अब क्योंकि एंट्रेंस है तो एंट्रेंस के स्टेप को छोटा नहीं रखते हम, बड़ा रखेंगे। बड़ा मैंने इसको लगभग 2.5 फिट दे दिया, 2.5 फिट अंदर कर लिया, ठीक है इस तरीके से रखा हमने। और यहाँ पे मैंने 18 इंचेस की ऊपर ऑफसेट कर दिया, यहाँ से लाइन ले ली। इधर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारी बाउंड्री आएगी, तो मैंने जो बिल्कुल इसको एज से मिला दिया था मैं इसको मूव करके अंदर कर देता हूँ लगभग 6 इंचेस। 6 इंचेस की हमारी इधर बाउंड्री आएगी, 6 इंचेस की इधर आएगी, इसको मैंने 6 इंचेस आगे ले लिया। अब इसके बाद स्टेप आएगा हमारा, स्टेप से हमने कितने का रखा है नीचे 2.5 फिट का, तो ऐसे 2.5 फिट अंदर हमारा स्टेप आ गया, ठीक है पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये एक ही लेवल पर रख देते हैं। पहला स्टेप रोड से इधर चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ के इधर आ जाएंगे, ये हमारा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। मैंने लैंडिंग की ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी और ये वाली इसकी बाउंड्री हो जाएगी, यहाँ पे हमारा स्टेप रहेगा ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। एक स्टेप इन दोनों के बीच में था हमारा, ठीक है। तो बाउंड्री की हाइट मैंने 1.5 फिट ली है, विड्थ थी हमारी 6 इंचेस, हमने 6 इंचेस ऐसे ले लिया। बाउंड्री हाइट ज़्यादा हो रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ, 1 फिट ले लेता हूँ, 1 फिट के लिए 6 इंच डाउन कर देता हूँ।
ठीक है ठीक है। अब यहाँ से इसकी हाइट कितनी रखी है हमने, 15 फीट रखी है, 15 फीट में 6 इंचेस का स्लैब आएगा कम से कम, 6 इंचेस का स्लैब दे दिया हमने। अब उसके ऊपर चारों तरफ क्या होता है, एक पैरापेट वॉल होती है, बाउंड्री वॉल जिसको कहते हैं, छत पर होती है ना ज़्यादातर टेरेस पे, जिसमें रेलिंग वगैरह लगी होती है हम लोग के यहाँ, तो पैरापेट वॉल की हाइट होती है हमारी 3 फीट, तो मैंने 3 फीट इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया और इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। स्लैब एंड टू एंड चलता है हमारा, तो हमने इसको एंड टू एंड ट्रिम कर दिया, ठीक है। नीचे भी हमारा 6 इंचेस का स्लैब होगा, हमने 1.5 फीट जमीन से ऊपर उठाया है इसको, तो जब जमीन से ऊपर उठाएंगे तो नीचे हमें यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, सॉइल फिल करनी पड़ेगी, तो ये जो स्पेस बचेगा ये हमारा क्या होगा, सॉइल फिलिंग के लिए हो जाएगा। उसके नीचे हमारी ये वॉल जो होगी, मेन वॉल या कॉलम जो होंगे वो नीचे गए होंगे, अभी इसमें कॉलम तो प्लेस नहीं है, तो बाकी की जो चीज़ें वो हमारी नीचे गए होंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ये किस चीज़ का होगा, RCC स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, स्लैब कंक्रीट का पड़ा होगा, ये भी आपका RCC स्लैब कंक्रीट का पड़ा होगा। अब एंट्रेंस हमारी यहाँ से हो रही है, एंट्रेंस पे डोर होगा हमारा, डोर की हाइट कितनी होती है हमारी, 7 फीट ही होती है जनरली, ठीक है। ये आपका क्या है, कैफेटेरिया वगैरह है, इनमें डोर की हाइट क्या होनी चाहिए, 8 फीट होनी चाहिए मैक्सिमम। कमर्शियल इसके डोर किस चीज़ के होते हैं, इसके डोर होते हैं ये ग्लास के होते हैं, ग्लास की लिमिट नहीं होती है, आप 10 फीट का भी ग्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड वगैरह का रखेंगे तो हम 8 फीट का ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट 10 फीट दे रहा हूँ, बड़े डोर दे के चल रहा है, और बाकी एलिवेशन आपने जैसा सेलेक्ट करके लेके आओगे उसके हिसाब से इसको कम बढ़ती हम करेंगे, तो क्योंकि हम एक्सटीरियर पे तो काम नहीं कर रहे, हम इंटीरियर पर करते हैं, तो हमने एक बेसिक लेआउट अपना तैयार कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको स्ट्रेच करके मैंने अप ले लिया। सबसे पहले किचन की ये जो स्लैब है इसके लिए एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस दे देता है, पहला ये दिया हमने, सेकंड ये दिया हमने, ठीक। किचन का जो काउंट, ये जो काउंटर है हमारा, इसकी हाइट कितनी होती है, 2 फीट 6 इंचेस या 3 फीट, नहीं ये काउंटर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब ये काउंटर दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, ये हाइट देख रहे हो ये ज़्यादा है, ये वाला कम है, कम है, ये आपका 2.5 फीट तक हो सकता है, 2 फीट 9 10 इंच तक हो सकता है, चेंज हो रहा है, हाँ ये 2 फीट 6 इंच या 2 फीट 9 10 इंच तक हो सकता है, डिस्प्ले वाला जिसकी हाइट कम होती है, स्कर्टिंग से इंक्लूड करके फ्लोटिंग से 2 फीट 6 इंच से 2 फीट 10 इंच तक, और जिसमें और ज़्यादा डिस्प्ले एलिमेंट रहते हैं, जैसे कि वाला था ना जिसमें ज़्यादा देखने एलिमेंट देखने को मिलते थे, जैसे कि आपका मैंने बताया था वो स्वीट डिश स्वीट्स की दुकानों पर रहता है, वहाँ पे जो हमारे काउंटर की हाइट हम देते हैं वो आपका 1.5 से 2 फीट का देते हैं, ताकि ज़्यादा लेवल्स आ सकें डिटेलिंग के, जैसे यहाँ ये मिल गया, या आप 1.5 से 2 फीट रखोगे बस, इससे ज़्यादा नहीं रखोगे, ठीक है। बट हम तो किस तरीके का लेके चल रहे थे, हमने डाउनलोड भी कर लिया था, इस तरीके का लेके चल रहे थे हम। अब इसमें ये वाला जो काउंटर की हाइट होती है, ये हाइट हम जनरली 3 फीट से 42 इंचेस रखते हैं, 36 इंचेस से 42 इंचेस। कौन सा सर काउंटर है, ये वाला वर्किंग काउंटर जो होता है ना कमर्शियल में, थोड़ी सी अप रखते हैं, इससे क्या फायदा होता है, अंदर के एलिमेंट्स छुप जाते हैं हमारे, मतलब बैक साइड में जो क्या चल रहा है, हाँ वो छुप जाएगा,
अब अगर इसमें आपको कहीं पे डिस्प्ले देना है तो उसकी काउंटर की हाइट आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। वैसे कितनी होगी सर हाइट काउंटर? देखो जनरली हम 3.5 फीट का ही रखते हैं, 3 से 3.5 फीट। और अगर बार काउंटर्स वगैरह हैं जैसे कि आपके पोडियम्स होते हैं, जैसे कि आप फोन लेने तो गए हो गए कभी, मोबाइल शॉप्स होती हैं उनके जो काउंटर होते हैं, हाँ वो ज़्यादा होते हैं, ओके 4.5 से 5 फीट होते हैं। जैसे विशाल सर क्या देखिए केबिन देखते हैं उसकी हाइट क्या है, ऐसी है कि आप पीछे क्या चल रहा है आप नहीं देख पाओगे, है ना। वो आपका क्या होता है फ़ोन आपको आपके आँखों के पास रखते हैं तो उसके काउंटर की हाइट ऊपर हो जाती है ताकि आपको झुक के ना देखना पड़े, आपके बिल्कुल आई लेवल के सामने आ जाए फीचर, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। इसी तरीके से जो स्टैंडिंग बार काउंटर्स वगैरह होते हैं उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे स्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है तो इसकी हाइट टेबल की हम ज़्यादा रखेंगे 4.5 फीट रख सकते हो आप, 4 फीट काउंटर की आप अभी के लिए हम 3 फीट रखेंगे, 3 से 3.5 फीट। और स्टैंडिंग वाले का आप टेबल दे रहे हो क्योंकि टेबल आपके दो टाइप के आते हैं, देखो एक हमारी जो चेयर्स आती है ना एक बार चेयर्स आती हैं उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली चेयर्स, ये हाई हाइटेड चेयर है, मतलब नॉर्मल इस टाइप की चेयर नहीं है, इसके लिए आपको पहले उठ के इसके ऊपर पैर रख के खड़ा होना पड़ता है तब आप बैठते हैं। मैकडी में भी ऐसी चेयर है, स्टारबक्स में, मैकडी में, कई जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगी। इनके काउंटर जो होते हैं ये आपके 4 फीट से प्लस में ही पड़ते हैं, 4 फीट से कम नहीं पड़ते। तो हम जो अपना वो रखा था वो कुछ इस तरीके से हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने ये भी दिया हुआ है ना चेयर्स हम इस तरीके की दे देंगे, तो ये हाई हाइटेड चेयर देंगे आप, या इसको आप सबमर्ज कर सकते हो इस टाइप से, ऐसे भी तोड़ सकते हो, सिटिंग भी हो गई है ना, चेयर्स भी आ गई, दोनों टाइप में आ गया। बट ये फ्रंट की तरफ नहीं दिया जाता जनरली क्योंकि आप बैठोगे तो आपकी बैक होगी यहाँ पे, है ना, अगर बैक में कुछ है नहीं दिखाने के लिए तब तो ये कर सकते हैं आप। ये अप्रोच अगर आपको लेके चलनी है तो आप ये कहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, ज़्यादा रहती है आपकी 3 फीट के आसपास चेयर, 3.5 फीट के आसपास चेयर रहती है, 3 फीट नहीं तो 3 फीट ये वाली होती है, ये वाली पिनियन हाइट जहाँ पे हम बैठते हैं यही हाइट ज़्यादा हो जाती है, यही हाइट तो 3 फीट हो जाती है, 2.5 फीट से 3 फीट हो जाती है यही हाइट, ये जो हाइट है यहाँ से, मतलब अगर टोटल 4 फीट का अगर काउंट वो होगा क्या कहते हैं, मतलब वो 4 फीट है तो 6 इंची नीचे आपकी ये आई, मतलब 3 फीट 4 इंच की होगी क्या कहते हैं, 3 फीट होगी 4 फीट, ओ सॉरी 3 फीट 4 इंच की होगी, आप 3 फीट 4 इंच से 3 फीट 6 इंच के बीच में, ठीक है। सो पहले हम काउंटर बना लेते हैं, तो मैंने काउंटर 3 फीट कर दिया, 3 फीट के लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब काउंटर नीचे तो जाएगा नहीं, तो मैंने इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ट्रिम कर दिया। स्लैब के ऊपर तो जाएगा नहीं, ट्रिम कर दिया हमने। अब इसके जो इन टाइप की ये बनते हैं टेबल, ये इसकी जो थिकनेस होती है 2 इंच, हाँ मिनिमम 2 इंच की रखी जाती है ताकि आपको टक्कर थोड़ी सी वाइड दिखे,
नीचे से हॉलो रहते हैं, हॉलो जो होता है। यहाँ क्या दिखाना है हमने, चेयर का साइड व्यू, साइड व्यू आएगा चेयर का, चेयर का साइड व्यू कहाँ से डालेंगे आप, इसके लिए आप लेफ्ट से डाउन करेंगे। चेयर मिल रही है, फर्नीचर में मिलेगी। तो ये वाली है हाई रेट की वाली है ना, ये तीन है हाई रेट की वाली। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड कैटलॉग्स। अब इसके देखो यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू भी दिखा रखा है और साइड व्यू भी दिखा रखा है, आपकी चॉइस है आप कौन सा लेना चाह रहे हो, उसी आप पिकअप कर लो यहाँ से। ठीक है, मैं ये वाली रख लेता हूँ, थोड़ी सी सही लग रही है। आप इसको क्या करा जाए, कैसे रखा जाए वहाँ पे, इसका ब्लॉक एडिटर बनाया जाए पहले, पहले कॉपी करके अलग रखा जाएगा इसको। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे बच्चों, ये इसी का फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू। अब इसको ब्लॉक बनाएंगे,
फर्नीचर पे डाल देते हैं बार चेयर हमने वापस से राइट ब्लॉक बनाया ब्लॉक पे फिर बार चेयर फ्रंट वाले को डाल देते हैं ठीक है ओके ऑटोमेटिक वो अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं आई एन टेक या ब्राउज पे फिट इसकी हाइट रख लेते हैं ढाई फिट अपने आप में काफ़ी होगा दो फिट चार इंच के आसपास है ना ढाई फिट रखते हैं इसके ब्लॉक एडिटर पे गए ओपन किया स्ट्रेच कमांड पे गए काउंटर की हाइट है इसको हम यहाँ से 8 या 9 इंचेस का क्लियरेंस ले लो काफ़ी होगा इतना इसको हम रिड्यूस कर देते हैं इस लेवल पर ठीक है या क्या अब इसके साथ साथ यहाँ क्या रखना है आपको टेबल्स चेयर्स साइड में आएगा ये तो नॉर्मल चेयर्स हैं हमारी थोड़ी कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम तो इस टाइप की रख सकते हैं बार-बार वाली बार-बार वाली हाँ चलो इस टाइप ये वाली तो ये ले ले सकते हो आप ये ले सकते हो ज़्यादा ही सिंपल हो रही है और बल्कि एक मिनट रखते हैं टेबल का भी शायद हमें फ्रंट एलिवेशन मिल जाएगा इसमें फर्नीचर ये मिल रहा है ये वाली ले सकते हैं चेयर के साथ राउंड टेबल दो चेयर होगी एक चेयर पीछे छुप रही होगी ठीक है डाउनलोड कर लो उसको
यहाँ से आपको कोई और सी सही लगती है तो आप वाला पिकअप कर लेना, मैं ये वाला पिकअप कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कैफे वाले पे गए, पेस्ट पे गए और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब जाहिर सी बात है बढ़िया आएगी, स्केल करना होगा, कितने टाइम स्केल करना है वो आप कैलकुलेट कर लो पहले। ये ड्राइंग जो बनी हुई थी हमारी किस में बनी हुई थी, ये हमने जो बना रहे हैं इंच फिट में बना रहे हैं, लेकिन जो हमने ये वाली लेके आए catblock.com ये mm में, यूनिट कमांड पे जाके आप चेक करोगे तो mm में बनी हुई है। साइजिंग इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि mm की फाइल को हम इंच फिट में लेके जा रहे हैं, अगर mm में ही ले जाते तो इशू नहीं आता कुछ भी। तो हमें ये कैलकुलेट कर लेना होगा कि एक mm में कितने इंचेज होते हैं, क्योंकि इंच फिट वाले में बाई डिफॉल्ट हम इंच ही दे रहे हैं, तो कि एक mm में कितने इंच होते हैं, अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो उतने टाइम हम इसको स्केल कर देंगे। अब वो कैसे चेक किया जाए, उसके लिए आप सिंपल क्यू सी एंटर करो, क्विक कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्जन में लेंथ में कहाँ से mm, mm में बनी हुई थी हम किस में लेके आ रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि एक mm में कितने इंच होते हैं, कितने इंच हो रहे हैं भाई एक mm में, 0.039 0.039 37। तो एस सी एंटर किया आपने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया 0.039 37 एंटर करके अभी भी कम करने की जरूरत है, अभी भी रिड्यूस करने की जरूरत है क्योंकि चेयर उसके हिसाब से टच हो रही है, बहुत बड़ी है। वापस से स्केल पे चलते हैं, पहले मैंने डायमेंशन चेक करी इसके टॉप की, कितनी आ रही है, 1 फीट 2 इंच आ रही है, 3 इंच आ रही है, ये रहा मतलब साइजिंग के हिसाब से सही है। बट लेकिन वहाँ पे जो साइज है वो तो हमें चेयर छोटी टाइप की रखनी होगी, ये चेयर जो है ये बड़ी चेयर है, या हम एक काम कर सकते हैं इसी को स्केल कर देते हैं, नहीं इसको एक्सप्लोड कर दिया, चेयर ही तो बड़ी थी ना हमारी, टेबल तो ठीक साइज की होगी, इसको कॉपी किया, कैफे पे गए, पेस्ट करके मैंने यहाँ रखा, एस एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया 0.039 37। इस पर ही चेयर को क्या कहते हैं, अंडर ट्रैक कर सकते हैं, हाँ वही कर रहे हैं, क्योंकि तो इसके ब्लॉक एडिटर पर है, इन पर गैपिंग ज़्यादा है, हम टेबल सेंटर अलाइनमेंट वाली ले लेते हैं जिससे चेयर को थोड़ा थोड़ा अंदर रख सकेंगे हम।
उसमें नीचे हमने 3 इंचेस का गैप दिया स्कर्टिंग का जो होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे ये वाला जो काउंटर आ रहा है, यहाँ क्या है हमारी चेयर्स आ रही है, ये साइजिंग कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं रैंडम चेक करता हूँ तो देखो 13.5 फिट। ठीक है, मैंने यहाँ से 13.5 फिट ऑफसेट कर दिया। ठीक, इनको ट्रिम कर दिया, 2 इंच की थिकनेस यहाँ पे मिली। ठीक है, और इस टाइप का रख रहे हैं तो इधर तो फ्लूटेड डिजाइन नहीं होगा, इधर ही की तरफ तो आना है बस खाली, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्लूटेड डिजाइन आएगा हमारा। फ्लूटेड डिजाइन दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लूटेड डिजाइन दिखाने के लिए इसको जो है हैचिंग दे देंगे, इसमें मैंने स्कर्टिंग बैठा दी क्योंकि वो तो अंदर ही चला जाएगा, 2 इंच की थिकनेस मैंने इधर से भी दे दी इसकी। एंगल को मैंने यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन किया, वर्टिकल आ गया। ठीक है, स्केल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, कलर भी दे सकते हो आप साथ साथ साथ। हमारे नीचे स्कर्टिंग का गैप आ गया यहाँ पे, अब यहाँ हमें क्या देना है, चेयर्स का बैक व्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से किस टाइप की चेयर आपको लेनी है, कॉर्नर में ऐसा वो बैक कौन सी होगी, ये बैक ये फ्रंट है, इसको करके तो वो रोटेट कर देंगे ना इसको रोटेट करने से बैक भी चढ़िया जाएगा इसका ये ऐसे बैक व्यू है इसका। ठीक है, ये भी बैक व्यू ही है इसका, ये बैक व्यू ही है, ये भी बैक व्यू है इस वाली चेयर का, ये भी बैक व्यू है। तो हम यहाँ से बैक व्यू की चेयर कोई भी एक व्यू आप चेयर को ले सकते हैं। जैसे अली भी ले सकते हैं, ये हमारे उससे भी मैच कर जाएगी। मैंने इस वाली चेयर को कॉपी कर लिया, कैफेटेरिया पैकेज पेस्ट करके यहाँ रखा, स्केल कमांड पे गए, बेस पॉइंट दिया 0.039 37। सर आपने ब्रांस के वो क्या बताई थी, आपने शॉर्ट की क्या बताई थी, क्यू वो अभी मैंने आपको चेक करके बताया था ना, क्यूसी से 0.039 था। हाँ, आप क्या कर रहे थे तरह, हाँ जी सर यही बोल रहे थे। डिश वॉशर, अच्छा कौन वॉश डिश क्या चीज है भाई ये सीट हो गई। ठीक है, ये उसके पीछे का आर्म बैक रेस्ट हो गया जो आगे घूम के जाता है ना राउंड,
ठीक है, ये लैग रेस्ट, ये लैग पॉइंट हो गया। अब ये चीज़ जो है, ये मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो ब्लॉक एडिटर पे गया, इसको हटा देते हैं। डिस्प्ले के लिए एक्सटर्नल रेफरेंस ऑन पड़ी है, एक्सआर एंटर करके आप डिशेस की मेन्यू भी यहाँ पे लोड करके रख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, एक्सएल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल, जो पिनियन सीट होती है हमारी 1.5 फिट होती है, 18 इंचेस, जैसे हम जहाँ बैठते हैं ना वो एरिया फ्लोर से 18 इंचेस ऊपर होता है, स्टैंडर्ड 18 इंचेस से लेस देन 2 फिट, 450 mm से 600 mm के बीच में, कहीं 450 लेते हैं, कहीं 500 लेते हैं, कहीं कहीं 450 भी ले लिया जाता है, बट जनरली हमारा होना चाहिए 450 वाला, क्योंकि काउंटर की जो हाइट होती है ये आपकी 2 फिट 6 इंच प्लस होती है, ठीक है। अब जब आप बैठोगे तो आपका लेग रेस्ट आएगा, पैर आएंगे ना, ड्रॉर वगैरह है तो उसके हिसाब से थोड़ी सी काउंटर हाइट बढ़ा दी जाती है, नहीं है तो आपका बैक लेग आएगा उसके ऊपर, फिर आपका काउंटर आ जाता है, तो 1.5 फिट रहते हैं। मैंने इसके मिडल से इसको उठाया, यहाँ रखा, इनको कॉपी किया, इधर की तरफ आपका सोफे का साइड हो जाएगा, सोफे का साइड भी देख लेगा कैसा था, ये वाली चेयर आप यही रख सकते हैं, ये वाली साइड चेयर इधर आ जाएगी, टेबल का साइड से कैसा दिखेगा वो भी, सोफे का वो आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये वाली जो वॉल है पीछे, पूरी प्लेन वॉल आ रही है, इस वॉल पे हमें कुछ ना कुछ वर्क देना होगा, ये वाली भी प्लेन वॉल आ रही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वर्क देना होगा, जैसे कई बार हम लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स रख देते हैं स्लैब डाल के, तो वो प्लांट्स रखने के लिए आपको यहाँ से पहले स्पेस लेना होगा, तो स्पेस हमारा स्टैंडर्ड हम 2.5 फिट का लेते हैं, ठीक है। अब 2.5 फिट पे पूरा स्लैब डाला जा सकता है, या छोटे छोटे से स्लैब्स डाल सकते हैं, बीच का खाली छोड़ा जा सकता है, या स्लैब में डाल के यहाँ पे कुछ और एलिमेंट भी दिया जा सकता है, जैसे कि पीछे यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया हमने कुछ, ठीक है, या वॉलपेपर नहीं देंगे, इधर की तरफ ब्लैक कलर का टेक्सचर पेंट कर दिया हमने,
वो क्या करते हैं, फोटो फ्रेम डाले जा सकते हैं, जाली वर्क भी दे सकते हैं, वो सारे टाइप के वर्क हैं। इसके पीछे यहाँ पे डोर आ रहा है, ये वाला डोर की हाइट हमारी कितनी होती है, डोर की हाइट कितनी होती है, 7 to 8 feet, हमने 8 feet दे दिया होगा। एलिमेंट भी रख सकते हो या फूड एलिमेंट ना रख के आप इसको, मैंने बताया था ना क्या कर सकते हैं इसको, आप मेन्यू वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखा सकते हो। इसको इस तरीके की शेप में डिवाइड कर दिया, उसमें कॉफ़ी के कप्स वगैरह रख दिए, कैटल रख दी, ये कॉफ़ी के कप्स या कैटल हैं, ये catalog.com पे आपको मिल जाएंगे। किचन के एलिमेंट्स देखे थे आपने, ठीक है, आप इस तरीके से रख सकते हो या इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो, इंटरप्रेट है ना। ये डिज़ाइन अब आपको करना है, आगे की तरफ कुछ कैटल वगैरह रख दी, कप्स रख दिए, टेबल का टॉप आ रहा है हमारा, प्लेन आ रहा है अभी पूरा, कहीं पे कैटल रख दी, कहीं पे बाकी टेबल टॉप्स के एलिमेंट रख दिए। पीछे की तरफ आपकी कॉफ़ी मशीन, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, एक कॉफ़ी मशीन रख दी है इन्होंने, ऊपर उसके कप्स का अरेंजमेंट दे दिया। तो आप ये चीज़ें कहाँ कर सकते हो, पीछे की तरफ आराम से कर सकते हो। जो हमने ये पीछे वाला ये वो दिया था फ्लोर प्लान पे, कॉफ़ी मशीन आप इधर की तरफ दिखा दिए, कॉफ़ी मशीन आ जाएगी, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे आपकी कॉफ़ी मशीन आ जाएगी है ना, उसके ऊपर कप का अरेंजमेंट के लिए ये स्पेस हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप कप का अरेंजमेंट लेके चलिए। मैंने 8 inch डाउन कर दिया, ये साइजिंग कितनी आ रही है यहाँ पे चेक कर लिया, आप पहले डायमीटर 6 inch डायमीटर डाउन कर दिया। अब आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है तो इसका रेफरेंस आप डाउनलोड कर लें, पीछे का आप इस तरीके से रख रहे हो, ओपन टाइप चलते रहे ना, या इस तरीके से रख सकते हो आप, नीचे सामान आ जाएगा, ऊपर मेन्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नेट से देखनी है, किस तरीके की आप देना चाह रहे हो, उसके आपको फ्लोर प्लान के ऊपर एलिमेंट रखने होंगे पहले यहाँ पे, और फिर उसको एलिवेशन में दिखाना होगा। हाँ, जो टॉप पे रखा होगा उसी का वैसे फ्रंट पे आएगा। इसको अच्छा दिखाने के लिए आप, मैंने बताया आप क्या रख सकते हो, कैटल वगैरह दिखा सकते हो, टेबल टॉप्स के एलिमेंट जो होते हैं, कप्स हो गया, बाउल हो गया, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे तो आपकी कॉफ़ी मशीन आ जाएगी, ऊपर आप कप होल्डर्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आइसक्रीम मशीन होती है, वो भी आप दे सकते हो, आइसक्रीम मशीन भी आपकी ऊपर लेवल पर लगेगी आपकी, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डिज़ाइन कर। अब पीछे आपका ये किचन था, इस किचन में प्रिपरेटरी किचन में भी यहाँ पे हम कई बार विंडो छोड़ देते हैं, जिससे कि जो फूड बनाए तो वो इधर की तरफ रख सकते हैं। हाँ, वेंटिलेशन नहीं, खाना अंदर बन गया आपने देखा नहीं, ऑर्डर वगैरह देते यहाँ से, प्रिंट रिसिप्ट दे दी पीछे, उन्होंने प्रिपरेटरी रूम में खाना बनाया और वो खाना जो है वो इस काउंटर पर रख दिया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बीच में एक विंडो स्पेसिंग कट आउट होगा, तो वो कटआउट मैं दे देता हूँ यहाँ पे सर्विंग करने के लिए, वरना सर्विंग करने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, गेट खोल के जाना पड़ेगा है ना, वो गेट ना खोलना पड़े तो इसलिए कई बार क्या करते हैं, बीच में एक विंडो दे देते हैं, हर रेस्टोरेंट में ज़्यादातर दी जाती है। अब ये विंडो मैं आप हम लेते हैं अप्रॉक्स 6 to 8 feet ले लीजिएगा, मैंने अभी 8 feet की मार्किंग दी यहाँ पे,
ठीक है। अब विंडो काउंटर के नीचे तो हमें दिखेगी नहीं, या दिखेगी? नहीं दिखेगी ना, तो हमने नीचे से इसको ट्रिम कर दिया और विंडो इसके ऊपर नहीं जा रही होगी। या आप इसमें काम कर सकते हो, एक यूटिलिटी स्पेस दे सकते हो 8 inches का, इसमें आपके कप्स आ जाएंगे, बीच में हम नहीं देंगे स्पेस, यहाँ पे ऊपर आपके शेल्फ दे दिएगा। यह हाइट दिखा रहा है 4 feet 4 inches की, तो मैंने यहाँ से 18 inches का गैप दिया। या मैंने एक काम किया, पहले लाइन ले ली यहाँ से, इसको ऊपर कनेक्ट कर दिया, DIV एंटर किया, इसको 3 seconds में तोड़ दिया हमने, DDP टाइप पे गए, पॉइंट स्टाइल से ये बदल दिया। बाउंड्री कमांड ली, BO एंटर किया, फिर पॉलीलाइन पे गए, अंदर पॉलीलाइन दे दिया, ऑफसेट किया, 2 inches का मैंने यहाँ से बॉर्डर ले लिया। मैम एक मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको आप चाहो तो स्लाइडर पे भी रख सकते हो, ठीक है, पार्टीशन को स्लाइडर खोल दिया आपने तुम्हारा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो एयर कंडीशन होता है, किचन में एयर कंडीशन नहीं होता, उसमें फ्रेश एयर डक्ट होती है, तो इसलिए आप इस तरीके से रख सकते हो। और इसकी थिकनेस ज़्यादा कर दी, 1.5 inch की रख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो इस तरीके से हम अपने कैफेटेरिया का एक फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिटेल्स और ऐड करेंगे हम, जैसे ऊपर से हमारा शैंडलियर लटकेगा तो हमें उसके लाइट्स के लेआउट भी दिखाने पड़ेंगे। ये वाली वॉल अभी पूरी प्लेन वॉल है हमारी, ये वाली भी पूरी प्लेन वॉल है ना, तो इन वॉल्स को हमें कवर अप एलिमेंट्स से कवर करना पड़ेगा, कहीं पे पेंट करना पड़ेगा, कहीं पे फ्लूटेड डिज़ाइन ऐड करना पड़ेगा। जैसे फ्लूटेड डिज़ाइन हमने ऐड किया, ऐसी फ्लूटेड डिज़ाइन आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो इसको अच्छा दिखाने के लिए। या कई कैफेटेरियाज में क्या होता है, यहाँ पे एक आपका जो कैफेटेरिया का लोगो होता है, वो मेन लोगो यहाँ पे वॉल पे लगा देते हैं, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। और ऑटोकैड में तो हम पूरी डिटेल्स के लिए निकालते हैं सारी चीज़ें, अगर एक्चुअल लुक देना होगा तो उसके लिए हम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट इस तरीके से हम एक इनिशियल स्टार्टअप कर सकते हैं इसमें, तभी हमने एक इनिशियल स्टार्टअप किया इसमें। इसको डिटेल्स जैसे जैसे देते जाएंगे ये उतना ही आपका अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास कल।